Welcome to Happiness Blanket channel. Subscribe this channel so that you may get our new selection from the world best videos. Now please like, share and comment this video. We are thankful to the video producers for their reuse permission. तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे तभी मैंने माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये बात नहीं, जाहिर ही बात है, अब्बा हारमोनियम बजाते थे। मुझे 55 बरस हो गए लिखते हुए, मैंने कभी किसी स्पेशल आदमी के ऊपर कोई मजाक नहीं किया, मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में अब आप चैनल खोलें कोई भी, तो कोई इंतहा नहीं रही है इस तरह के मजाक की। मुईन अख्तर साहब के साथ आपने लूज टॉक जैसा एक शानदार प्रोग्राम तख्लीक किया, आपकी और उनकी इक्वेशन क्या थी? मुईन का जो मेरा केमिस्ट्री थी हम लोगों की, अब जैसे लूज टॉक की मिसाल ले लें कि दो आदमी बैठे हुए हैं, एक गोल मेज पड़ी हुई है, बात कर रहे हैं। मैंने मुईन से कहा था कि मुईन, जो लिखा हुआ है यू हैव टू परफॉर्म दैट, जब ही मालूम होगा दो आदमी बात कर रहे हैं। और 389 एपिसोड्स में मुईन ने वो ही किया जो स्क्रिप्ट में लिखा। ये बताएंगे कि लूज टॉक का आइडिया आपको कहाँ से आया, और इसमें इनकी कई एपिसोड्स में आपने हुकूमत पर, इंतज़ामिया पर बहुत तनकीद की, तो क्या रिएक्शन क्या होता था? फ़ोन आता था मेरे पास कि अनवर साहब, हम आपको चाहते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं और ACL में आपका नाम नहीं डालेंगे, मगर आप भी थोड़ी सी मोहब्बत का हमसे इजहार अपने प्रोग्राम में कर दिया करें। मैंने कहा जिस दिन मुझे आपसे मोहब्बत होगी, मेरा पहला प्रोग्राम आपकी मोहब्बत पर होगा। तो मैं हार्ड टॉक देख रहा था बैठा हुआ, तो मैंने मुईन से कहा, मुईन हार्ड टॉक देखते हो? मुईन ने कहा कि नहीं। मैंने कहा देखो। बोले क्यों? मैंने कहा उसके बाद बात करूँगा तुमसे। तो एक सेट, उसमें रेड से एक लाइनें बनी हुई हैं, मैंने कहा ये प्रोग्राम करते हैं हम लूज टॉक। बोले नाम तो अच्छा है, सेट बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा सेट ही तो नहीं चाहिए, जब बातचीत अच्छी हो तो सेट वेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बताएं कि जो आप कैरेक्टर्स लाते थे लूज टॉक में, वो कैसे कंसीव करते थे, वहाँ उनके बारे में कैसे आप रिसर्च करते हैं? वो आम जिंदगी कैरेक्टर्स थे। मैंने कभी नाम लेके कि इमरान खान हैं या नवाज शरीफ हैं या जरदारी हैं, या मैंने किसी का नाम लेके नहीं किया। अब जब सुषमा सेन आई थी एक प्रोग्राम में, मेरा प्रोग्राम था स्टूडियो 2.5, तो मोइन बना था वो, तो मुझे यंग एज में देखते एक एक गाल मेरे कश्मीर के सेब थे। वो आज़ाद थे या मकबूजा? मैं समझी नहीं। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी शक्ल लग रही है, आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी है, आप एक गाल तो माशाल्लाह। तो कहती हैं कि अब तो कुछ भी नहीं रहे अनवर जी, ये तो ऐसे थे, लोग कहते थे कश्मीर के सेब हैं। मैंने कहा ये आज़ाद थे या मकबूजा? उसके बाद सुषमा का एक मैसेज आया कि मैंने प्रोग्राम देखा, मैं हंसी, प्रोग्राम देख के हंसी, मगर जुमला जो था काफ़ी सख्त था आपका। तो मैंने कहा नहीं, मजाक की बात थी। लूज टॉक में आपने एक बंगाली क्रिकेटर का इंटरव्यू किया था, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या था और इंस्पिरेशन क्या थी उसका? मैंने सोचा कि वो हार गए मैच वैच 71 में, अलग हुए हमसे, बांग्लादेश बन गया वॉर के बाद। उसके बाद उन्होंने तरक्की करना शुरू की, इकॉनमी ठीक करा ली, एजुकेशन ठीक करा ली, जो कर्जे थे उतारे, एक्सपोर्ट हो रही है हर चीज़ में, क्रिकेट नहीं आती थी। तो मैंने कहा उसको क्रिकेटर का इंटरव्यू करते हैं, अब उससे वो जवाब जो है वो क्रिकेट के बजाय बोलेगा हमारा इकॉनमी देखो, क्रिकेट की क्या बात करता है। मैंने कहा आप आज तक टेस्ट क्यों नहीं जीते,
वो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो इतना बढ़ गया है। मैंने कहा मैं आपसे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट टीम के बारे में बताएं क्या प्रॉब्लम है। ये जो हमारा एक्सपोर्ट है, अभी देखो 37% बढ़ा है लास्ट ईयर, तुम्हारा एक्सपोर्ट किधर है? खाली क्रिकेट पे मुल्क नहीं चलता है। हारमोनियम प्लेयर के बारे में लूज टॉक की एक वीडियो आजकल इंडिया में बहुत वायरल हो रही है, उसमें मुईन अख्तर साहब बार बार कहते हैं कि अब्बा हमारे हारमोनियम बजाते थे और गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते थे और कहीं नहीं जाते थे। तो ये जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रही थी मैं कभी हंसता नहीं प्रोग्राम में, मुझे 3-4 जगह हंसी आई तो मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ा। मैंने कहा इसको दोबारा करते हैं, मुझे हंसी आ गई। इंडिया और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को सामने रखें तो आपके ख्याल में अब लूज टॉक करना, लूज टॉक जैसा प्रोग्राम करना क्या अब आसान होगा? नहीं, हालात तो वही रहेंगे, मेरे लिए आसान हो गया है करना प्रोग्राम, क्योंकि अब ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जिनको मैं सोच भी नहीं सकता था। कमेडियंस जो परफॉर्म करते थे अब वो असेंबलीज में बैठे हुए। लूज टॉक में उस वक्त के इंडिया के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का आपने इंटरव्यू किया था, अब आपको मौका मिले तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अगर आप इंटरव्यू करें तो कौन से 3 सवाल? जो 3 चीज़ें मुगलिया सल्तनत ने हिंदुस्तान को दी हैं, उर्दू, गालिब, ताजमहल, इन तीनों से बढ़ के कोई चीज़ बता दें जो हिंदुस्तान की पहचान है। हमारी तरफ से तो यही कोशिश रही है हमेशा कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। हम तो वो दरख्त लगाने की कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ हल नज़र नहीं आ रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान से अगर सवाल करने हो तो क्या 3 सवाल होंगे जो आप उनसे करेंगे? मैं सिर्फ उनसे कहूँगा कि खाली ईमानदारी से मुल्क नहीं चलते हैं। साल भर हमने दिया है, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये 2020, लोग कहते हैं 19-20 का फ़र्क है पिछले साल में इस साल में, तो 19-20 का क्या फ़र्क होता है? मैंने कहा ये बात तो सही है मगर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हालात बेहतर हों। आजकल बड़ी सेंसरशिप है, आपके ख्याल में ऐसे माहौल में काम करना, क्रिएटिव काम करना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग है? अच्छा, ये मुझे समझ में, मैं अभी करता हूँ, मैं तो टीवी पे प्रोग्राम अक्सर करता हूँ, मैं फौज के खिलाफ ही बोलता हूँ जो कि शायद कोई और नहीं कहता, मैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ही बात करता हूँ, मैं गई गुजरी हुकूमतों के खिलाफ ही बात करता हूँ, मगर मैं जो कहता हूँ वो चला जाता है। बोलने में और लिखने में, अगर मैं लिख रहा हूँ और लिखते लिखते मेरा कलम एक जगह रुक जाए उसके आगे लिखना नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बग़ैर समझे हुए लोग बात कर देते हैं, लिख देते हैं, बाद में ख़ुद उनको पछतावा होता है। आप इंडिया के शहर हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए, क्या कभी दोबारा वहाँ जाना हुआ? मुझे हैदराबाद याद है, हम लोग 48 अक्टूबर में आ गए थे पाकिस्तान, मैं 8 बरस का था। फिर मेरे घर वाले तो गए हैदराबाद, मैंने कहा मैं नहीं जाता, मैं बम्बई गया। बम्बई से मैंने कहा छोड़ा है बस, अब इंशाल्लाह मुझे अब लग रहा है कि एक चक्कर हैदराबाद का मैं जरूर लगाऊंगा। हिमायत नगर में रहते थे हम, एक मीनार की मस्जिद थी सामने और 16 कमरे थे और 5,000 गज पे घर था। इंडिया में आपके और मुईन अख्तर साहब के बहुत फैंस हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने 50 साल पहले किसी को पैगाम भेजा था, उन्होंने मंजूर कर लिया, वो मेरे साथ रह रही हैं। वो वाहिद पैगाम था जो मैंने भेजा था, वो बेगम ही मिली। मगर हिंदुस्तान के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, उर्दू आपका पीछा छोड़ दे, आप उर्दू का पीछा ना छोड़ें। बहुत बड़ी ज़बान है, इसके आगे कोई दीवार खड़ी करेगा तो वो दरिया की तरह वो दीवार तोड़ के आगे निकल जाएगी।
मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी लोगों से भी कह रहा हूँ।